इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 पीसी में ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो बस आपको जो विंडोज 7 का कंप्यूटर यूज करते हैं लेकिन हमारा जो टास्क बार पट्टी है तो इस पट्टी में ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो विंडोज 7 का पीसी है वह मैंने ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद अभी देख लीजिए कि जो टास्क बार पट्टी है तो इस पट्टी में हमारा ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर में चेक करना है कि हमारा पीसी में जो ब्लूटूथ है वही हमारा इंस्टॉल है या नहीं है। तो चलो मैं चेक करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। तो चलो मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ और आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा कंप्यूटर में सही से ब्लूटूथ है वही हमारा इंस्टॉल है लेकिन टास्क बार पट्टी में ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा कंप्यूटर में सही से ब्लूटूथ हमारा इंस्टॉल है, तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर देना है और इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे लेकिन टास्क बार पट्टी में ब्लूटूथ का आइकन शो नहीं हो रहा है, तो आपको डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करना है। तो चलो मैं डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि उसमें ब्लूटूथ का डोंगल है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको ब्लूटूथ सेटिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसमें एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे, तो आपको जो शो ब्लूटूथ आइकन है तो उसमें आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो चलो मैं टिक मार्क को लगा देता हूँ और लगाने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा टास्क बार पट्टी में ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा शो होने लग गया है। तो आपको इसी तरह विंडोज 7 को यूज करते हैं लेकिन टास्क बार पट्टे में ब्लूटूथ का आइकन शो नहीं हो रहा है, तो इस तरह आपको आसान तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।